सर बहुत ही कहना कि मैं महसूस कर सकता हूँ, बहुत खुशी महसूस कर सकता हूँ, इसलिए ये खुशी बांटने के लिए आज हम आगरा भी आए कि क्योंकि हमें पता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सब लोग रिलेट कर सकते हैं उससे, सब लोग इट्स स्टोरी, ये एक स्टोरी है जहाँ पे लॉकडाउन में शादी में फंस जाते हैं, दो लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से, शादी होने लगती है, सब कुछ सही हो जाता है, और जहाँ ये लड़का बारात लेकर आता है और वहीं उसी वक्त लॉकडाउन लग जाता है, तो कैसे एक जगह पे फंस जाते हैं सारे लोग, दो परिवार एक तरफ से फंस जाते हैं, तो पता नहीं अब वो आप देखिए कि शादी हो पाती है कि नहीं हो पाती। बहुत रियल इवेंट्स चीज़ें उठाई हैं जो परिवार में होती हैं, फूफा मतलब पूरा परिवार ही आ रखा है, अब जो दो परिवारें एक साथ मिल जाएं तो या बवाल होगा या शादी होगी, तो देखते हैं। फूफा के नाराज हुए बिना शादी नहीं होती है तो आई थिंक हर एक प्रोजेक्ट के साथ कुछ नया हम सीखते हैं एज एन एक्टर, सो मेनी थिंग्स, इतनी सारी चीज़ें हैं, बट आई से कि इस जो हमारा शो है, एक मेरा बहुत फेवरेट सीक्वेंस है जो रिवील कर सकते, जो संगीत ना अंताक्षरी वाला, वो मेरा सबसे आई थिंक हम सबको बहुत मज़ा आया था वो शूट करने में, एंड आई थिंक हर एक की शादी में, हर एक की फैमिली में ऐसे मोमेंट्स होते हैं, सो सब लोग रिलेट करेंगे और आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा, वो सीक्वेंस स्पेशली मेरा फेवरेट है क्योंकि लॉकडाउन की स्टोरी है, तो एक ही सेटअप पे इतने सारे लोगों को एक साथ काम करना था, काफी दिन तक रहना था, जी क्या एक्सपीरियंस रहा आपकी शूटिंग का? आई थिंक हम सब प्रिकॉशंस तो ले ही रहे थे क्योंकि लॉकडाउन बस खुला ही था, सब अपने अपने मतलब अलग अलग थे, मास्क पहने हुए थे, लेकिन मुश्किल तो होती है, एंड आई थिंक चीज़ें बदल चुकी हैं अब फॉर या जी 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 और यूथ रिलेटेड फिल्म्स बहुत ज़्यादा बन गई हैं, जो सीरियस कॉलेज की कहानियाँ जी, शादी का जो आपका पूरा ये ड्रामा है, इसको लोग कितना पसंद करेंगे, क्या कुछ विशेष करेगा? आई थिंक शादी एक ऐसी चीज़ है जो क्या बोलते हैं कि शादी का लड्डू जो खाए वो पचता है, जो ना खाए वो पचता है, तो शादी एक ऐसी चीज़ है जो शायद हर कोई करना चाहता है कभी ना कभी लाइफ में, बहुत कम आप लोग भी या फिर बहुत कम लोग होंगे जो नहीं करना चाहेंगे आई गेस, बट शादी का क्या हाँ मैं करना चाहती हूँ ऐसा कुछ रिगार्डिंग द OTT प्लेटफॉर्म, मुझे ये लगता है कि आने वाला फ्यूचर OTT का ही है, क्योंकि पब्लिक सिनेमा हॉल तक जाना और 3 घंटे लॉक होके वहाँ पे रहना वो चीज़ को अब पसंद नहीं कर रही है, और OTT चैनल आज स्मार्ट TV का ज़माना है, तो कोई भी बंदा एक इकोनॉमिक पैसे में पूरे साल नई मूवीज़ देख सकता है अपने घर में अपने कन्वीनियंट में जब उसे टाइम मिला, और सेकेंड थिंग एपिसोड वाइज देख सकता है, आपको 3 घंटे पूरे नहीं बिताने हैं, एक एपिसोड देख लिए फिर टाइम मिला फिर एक देख लिए, तो आने वाला फ्यूचर OTT चैनल का है। रिगार्डिंग द पायरेसी, ये पूरी इंडस्ट्री इसको फेस कर रही है, उसका सॉल्यूशन हम लोग ढूंढने में लगे हुए हैं, पर हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साइड से भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आज इतने बड़े बजट की और इतने मेहनत से और इतने इन्वेस्टमेंट से कोई प्रोजेक्ट बनता है, और कोई कॉलेज का नया लड़का है उसको पायरेट करके और छोटे से अमाउंट में उसको सेल कर देता है। आगरा बहुत प्यारा शहर है और मुझे खासकर बहुत पसंद है, पहले भी आ चुका हूँ आगरा, घूमने के पर्पज़ से आया हूँ, बिज़नेस के पर्पज़ से आया हूँ, तो मेरी जो लिस्ट थी सिटीज़ की जिनमें हमें प्रमोट करना है उसमें आगरा का नाम सबसे ऊपर था, इसलिए हम सबसे पहले आगरा ही आए, और आगरा से स्टार्ट करके एक अच्छी शुरुआत करके इसको पूरे इंडिया में ले देंगे प्रमोशंस के लिए। थैंक यू। ये वेब सीरीज एल लग गए, लॉकडाउन लग गए, 9th December को रिलीज़ हो रही है सिने प्राइम OTT चैनल पे, आशा करते हैं आप सबको पसंद आएगी और बहुत सारा प्यार मिलेगा हमें। थैंक यू।